हेलो फ्रेंड, संजू की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं कटहल आलू की लटपटी कम ग्रेवी वाली सब्जी की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। बहुत टेस्टी बनती है और खाने में लाजवाब लगती है। एक बार आप वीडियो को थोड़ा देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी समझ में आएगा मैं क्या क्या लेती हूँ। देखिए, दो प्याज ली हूँ, इसको रफली ही काट ली हूँ, और उबला हुआ आलू ली हूँ आधा के जी, इसको दो टुकड़े में ही काट ली हूँ। एक सीटी देख कर मैं देखिए आधा केजी कटहल को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर उबाल ली हूँ, और इसको दो तीन बार पानी डाल कर धो ली हूँ। और बहुत एक गला हुआ नहीं पका हुआ होना चाहिए, इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छे से देखिए मैं इसको ले रही हूँ। अब देखिए क्या करती हूँ, उसे आप ध्यान से देखिएगा। गैस चूल्हा पे मैं कढ़ाई को रखी, और इस पे आप सरसों का तेल या जो तेल खाना पसंद करती हैं और जितने मात्रा में पसंद करती हैं उस हिसाब से इसमें डाल दीजिए। इसमें मैं देखिए दो चम्मच तेल डालती हूँ। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें आधा चम्मच जीरा इस तरह से मैं डाल दी गर्म होने पे। अब इसमें देखिए मैं प्याज डाल दूंगी, जो रफली ही मैं काट कर रखी हुई थी, दो ली थी इसको, बस मैं रफली ही काट ली थी देखिए इस तरह से। अब इसको क्या है ना, आँच को मैं थोड़ा कम कर दूंगी और इसी आँच में बढ़िया से थोड़ा पकने दूंगी, 1-2 मिनट। तो बहुत अच्छी लगती है सब्जी, अपने आँच में जब पकती है ना प्याज तो बहुत अच्छा रहता है। दो तेज पात में, 2 या 3 तेज पात आप धो के ले लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर कड़ी पत्ता इस तरह ले ली हूँ मैं, और थोड़ा यहाँ पर हींग डाल देती हूँ, थोड़ा सा दे दीजिएगा 2 चुटकी, बहुत अच्छी लगेगी और डाइजेशन में भी बहुत अच्छा होता है। और इसको देखिए इस तरह से आप चला दीजिए, कम आँच है ना अभी, तो बहुत अच्छा सा ये पकेगा बहुत अच्छे से, और इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है फुल आँच की अपेक्षा। देखिए इस तरह से मैं चला रही हूँ और चल गई। और देखिए टमाटर मैं 2 ले ली थी, इसमें लहसुन डालकर अच्छे से थोड़ा जीरा डालकर पीस ली थी, आधा चम्मच जीरा भी डाली थी और लहसुन आधा मुट्ठी लेकर इसको पीस ली थी 2 टमाटर के साथ, और इस तरह से पीस ली हूँ ना। अब इसको देखिए कैसे क्या करती हूँ। देखिए प्याज मस्त हल्का सा पिंक कलर आ गया है, बहुत सुंदर सा, इसी तरह से चाहिए था मुझे। इसी तरह से हल्के आंच में पकती है ना, बहुत सुंदर रहता है। और इसमें देखिए धनिया पाउडर, तो हल्दी पाउडर मैं ले ली हूँ, डाल दी स्वाद अनुसार, और नमक भी स्वाद अनुसार ही ले लीजिएगा। और यहाँ देखिए मिर्च पाउडर भी मैं स्वाद अनुसार ही ले ली हूँ, और ये टमाटर और लहसुन को जो पीसी हुई थी ना जीरा डाल के, इसको भी देखिए इस तरह से डाल दी, और मसाले को अच्छे से भूनना है। तो कटहल का टेस्ट जो है ना बहुत सुंदर लगेगी, जितना मसाला अच्छा से भूनता है सब्जी उतनी ही टेस्टी लगती है। मैं इस तरह से देखिए इसको कम आंच फुल आंच में करके इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। और इसमें देखिए मिक्सी के पॉट में थोड़ा सा पानी डाल दी, और इसको भी थोड़ा सा इसमें डाल दी इस तरह से, और इस मसाले को देखिए इस तरह से भूनिएगा अच्छा से। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, गरम मसाला या सब्जी मसाले या चिकन मसाला भी इसमें आप डाल सकती हैं, बहुत अच्छी लगती है। एक बार ज़रूर चिकन मसाला डालेगा, मैं यहाँ चिकन मसाला ही डाल रही हूँ। देखिए बहुत अच्छे से मस्त से उसका जो फ्लेवर होता है ना बहुत अच्छा लगता है। और देखिए रॉयल गरम मसाला है ये कैच का, मैं इसको भी थोड़ा सा डाल दूँगी। इसमें जीरा उरा सब कुछ मिक्स रहता है, गरम मसाला बहुत थोड़ा सा मैं इसमें देखिए डाली हूँ, 1/4 चम्मच लगभग होगा। इस तरह से इसको डालकर अच्छे से इसको भूनना है, जितना आपको तो मैं बताई, जितना अच्छा ये भूनेगा उतना अच्छा होगा। देखिए इस तरह से मैं मसाले को बहुत प्यार से भूनती हूँ, और ये जो कटहल और आलू उबाल के रखी हुई थी ना धोकर, इसको देखिए इस तरह से इसमें डाल दीजिएगा। और कटहल को क्या ना ज़्यादा नहीं उबालिएगा, ज़्यादा गला हुआ रहता है ना उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। मैं क्या है ना आधा सीटी दी थी कुकर में डालकर, और तुरंत ही इसको वेपर निकाल कर इसको धो ली थी, तो थोड़ी सी कम मतलब पकी हुई थी तो अच्छी है। और बाकी क्या है ना मसाले के साथ भूनेगी तो बहुत अच्छा से पक जाएगी, फिर इसमें थोड़ा रस डलेगा ना तो बहुत अच्छे से पक जाती है। वैसे तो आधा से ज़्यादा ये कुक हो चुकी है। अब दोनों को डालकर देखिए इस तरह से अच्छे से भूनिएगा,
बहुत सुंदर से, देखिए कितना अच्छे से भून रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। जितना खुशबू इसकी जो आती है ना, बहुत सुंदर आती है। सारे मसालों का फ्लेवर इतना मस्त आता है इसमें, क्या बताऊँ। अभी देखिए एक गिलास पानी ली हूँ, भूनना चाहिए अच्छा से। दोनों कटहल आलू भून गई थी ना, तब एक गिलास इसमें देखिए मैंने पानी डाल दिया इस तरह से। अब पानी डालकर इसको कुछ देर पकाऊंगी। मेरे पूरे सब्जियों को बनने में ना आधा घंटा का टाइम लगा था, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग है, क्योंकि कटहल जो है ना आप आधा सीटी देंगे और उसका वेपर निकाल के इस तरह से पका देंगे ना, बहुत जल्दी बन जाती है। और इसको क्या आप कम तेल में भी बना सकती हैं, ज़्यादा तेल में भी बना सकती हैं, सभी में परफेक्ट जाती है। जैसा लोग तेल खाना पसंद करते हैं वैसा आप डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा ग्रेवी गाढ़ा हो गया है ना, थोड़ी सी हल्की सी ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। मैं इसको बिल्कुल लटपटा ही बनाऊँगी, बहुत ग्रेवी वाली नहीं बनाऊँगी। देखिए थोड़ी सूख गई, बहुत अच्छा से लटपट पटा हो गया। इसको आप क्या ना पूड़ी के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, सभी के साथ बहुत सुंदर जाती है। दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, या फिर सिर्फ सिंपल चावल के साथ भी खाएंगी ना तो इसका फ्लेवर बहुत सुंदर आता है। एक बार इस तरह से आप बनाकर एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में अच्छी लगती है, बहुत जल्दी बन भी जाता है और कोई तामझाम इसमें नहीं है बनाने में। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आपको कैसी लगी मेरी कटहल आलू की सब्जी लटपटी, आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को देखने के लिए आप सभी फ्रेंड्स का धन्यवाद। थैंक यू।